रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्र के बाद हरियाणा सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश के मेवात इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने की खबरों के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अंबाला में वे पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान विज ने कहा कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं जहाँ कोई भी आकर बस जाए। बता दें कि बीते रोज सोनीपत कोर्ट में एक पुलिसकर्मी द्वारा ही कुख्यात अपराधी को गोली मारे जाने की वारदात के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। अनिल विज ने बढ़ते अपराध को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है कि अब हरियाणा की अदालतों में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े किए जाएंगे। विज ने कड़े शब्दों में कहा कि कहीं भी किसी की भी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। विषम मेवात जैसे कई इलाकों के अंदर रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो वहाँ पर जाकर के दोबारा से सेटल हो रहे हैं, क्या कुछ जो है इनको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? नहीं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। और कोर्ट कचहरियों में भी जाके गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने के लिए आप होम मिनिस्टर हैं? नहीं, पूरी तरह से उसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है और कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जिसके ऊपर पुलिस ने अपना शिकंजा टाइट ना किया हो। सारे ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोग हैं उनको ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा उसके लिए हमने एक SIT बना रखी है, वो काम करती है उसके ऊपर। न्याय के मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी ताकि कम से कम कोर्ट में जाकर जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? नहीं, बिल्कुल बढ़ाई जाएगी और कहीं पर भी किसी को कोई इस प्रकार की जो दादागिरी है वो करना नहीं दी जाएगी। विषम मेवात जैसे कई इलाकों के अंदर रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं वो वहाँ पर जाकर के दोबारा से सेटल हो रहे हैं, क्या कुछ जो है इनको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? नहीं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक